आप सबका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अभिव्यक्ति के मंच पर आए, और मैं चाहता हूं कि बस जोरदार तालियां एक बार अपने लिए जरूर बजाएं आप लोग। अभिव्यक्ति जो मंच है, इसका स्वामित्व और प्रबंधन केवल और केवल केनानी स्टूडियो द रोवर्स डायरी के बीच, जिसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष, जाति विशेष और लिंग विशेष को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी के शब्दों से, किसी के बोल से अगर किसी को ठेस या पीड़ा पहुंचती है तो उसकी तरफ से हम पहले से ही क्षमा मांगते हैं, और हम चाहेंगे और सबसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़हनी है और बहुत दानिशमंदी वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वो कोई इस तरह की बात ना कहें जिसकी वजह से किसी को ठेस पहुँचे। हमारी टीम के कुछ लोग हैं जिनके बिना मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ये मंच अधूरा रहता और इसके बिना ये कार्यक्रम हो नहीं सकता था, जिसके लिए सबसे पहले मैं आभार दूंगा विवेक सिमल्टी जी का, मनदीप बिस जी केनानी स्टूडियो के हमारे मैनेजर हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, छोटा भाई विजयपाल कलूरा जी हमारे ऑडियो टीम के हेड, गौरव मेठानी जी, राजकुमार जी एल एस सुकन के फाउंडर एंड को फाउंडर। चलिए इसके आगे मैं अब कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी सी गति दूंगा क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। मंच पर उस व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा जिसके बिना इस अभिव्यक्ति की कल्पना बिल्कुल अधूरी है। हमारी पूरी टीम इनके लिए विशेष आभार रखती है और विशेष धन्यवाद देती है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा सीजन 1 इतना अच्छा और इतना पॉपुलर नहीं होता, जिसकी वजह से सभी लोग इतने क्यूरियस थे कि इसका सीजन 2 जल्दी लेकर आया जाए और हम आना चाहते हैं आपके मंच पर। तो मैं एक बार चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाएं श्री पुष्पेंद्र चौधरी जी के लिए, और आज हमारा परम सौभाग्य कि आज हमारी भाभी श्री भी आई, उनकी बेटर हाफ डॉक्टर कोमल पावरिया, मैं चाहूँगा कि दोनों ही मंच पर आएँ प्लीज़। और अब मैं अनुरोध करूँगा मनदीप जी से और विवेक से मल्टी जी से और विजय भाई से कि मंच पर आएँ और ये फूलों से एक बार हमारे पुष्पेंद्र भैया का थोड़ा स्वागत करें। मैं चाहूँगा एक बार भैया को ये पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें जरा। और भैया थैंक यू सो मच, आप हमारे अभिव्यक्ति मंच पर आए और आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, इन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ये हमारे अभिव्यक्ति की तरफ से भैया आपके लिए, जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अब पुष्पेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि दो शब्द हमारे अभिव्यक्ति मंच के लिए ज़रूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, K9 स्टूडियो और रोबर्ट्स डायरी का, और आज हमारे बीच कुछ मेरे कुछ जाने चेहरे भी हैं और कुछ नए भी हैं, तो सभी का बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं। क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा समय लग गया मुझे आज, मैं अमूमन समय पर रहता हूँ पर आज थोड़ा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मैं पहुँच नहीं सका, तो हम जल्दी ही इसको शुरुआत करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज कुछ नए कलाम, कुछ नई पंक्तियाँ, कुछ नए जो वक्तव्य हैं, कुछ बातें हैं आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, आपका आना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब जो अगले हमारे मुख्य अतिथि हैं धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां एक बार प्लीज। मैं धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी के बारे में थोड़ा बता दूं, हमारे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के गजेटेड ऑफिसर भी हैं, कई संघों के अध्यक्ष भी हैं, और मैं आपको बताऊं हमारे उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा वायरल कवि हैं। बहुत ज़्यादा मंचों पे बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूअर्स ने इनके साथ इंटरव्यू किए हैं, तो धर्मी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आएँ और धर्मेंद्र उनियाल धर्मी जी का सम्मान करें, और एक धर्मी भाई आपके लिए भी हमने एक छोटा सा सम्मान, मैं चाहूँगा पुष्पेंद्र भैया उनको ये ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। थैंक्स फॉर कमिंग धर्मी भाई, आप हमारे मंच पर आए और हम सबको सम्मानित किया, और मैं आपको बता दूं ये राष्ट्रीय कवि संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं, तो आज आप जिनके सामने पढ़ने वाले हैं बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं चाहूँगा कि धर्मी भाई दो शब्द जरा हमारे अभिव्यक्ति मंच के लिए भी कहें। आपको इतना अच्छा कार्यक्रम संचालन के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, और आज जैसा कि शारदीय नवरात्र का पहला दिवस भी है उसकी भी अनंत शुभकामनाएं आपको, माँ जगत जननी सबके जीवन में ऐसी खुशियां भरती रहे, ऐसे हर्षोल्लास से आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें, और साहित्य ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए व्यक्तियों से परिचय होता है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया K9 स्टूडियो का, और आप सबका हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा ऐसे नहीं, मैं चाहूँगा कि धर्मी भाई की जो मुझे पसंदीदा दो तीन लाइन्स हैं, एक तो धर्मी भाई, एक तो माँ वाली ज़रूर, और एक जो दूसरी आपको पता है मेरी फेवरेट है, जिन पंक्तियों ने मुझे थोड़ा सा पहचान दी, जिन पंक्तियों ने मुझे ये बल दिया कि मैं इतने समृद्ध मंच पर खड़ा हो सकूं, तो वो दो पंक्तियाँ ये हैं, या वो शेर यूँ है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, दवाई से बोलती है
माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। क्या बात है, क्या बात है। माँ झूठ भी कितनी सफाई से बोलती है। और ऐसे ही चार मिसरे, तुम्हारा मकान पक्का है, तुम्हें सब आसान दिखता है, मेरा घर रेत का है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। देखा, मेरा घर रेत का है, क्या बात है, मुझे हर घड़ी तूफान दिखता है। और एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। जोरदार तालियां। एक माँ थी जो मेरी तरक्की के लिए परेशान रहती थी। और एक शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। क्या बात है। और एक शहर है जो मेरी तरक्की से परेशान दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब शुरू करते हैं अभिव्यक्ति मंच की सीजन 2 की। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैं जिसको बुलाने वाला हूं, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कबीरलाल माझी के लिए। आप प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के दिल लगाना नहीं होता हर किसी से यूं ही, के दिल लगाना नहीं होता हर किसी से यूं ही, मुझे अक्ल ये आई थी बहुत बाद में। क्या बात है, बहुत बात, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। के सबसे आगे खड़ा हूँ मैं दोजख में कैसे। क्या बात। के सबसे आगे खड़ा हूँ मैं दोजख में कैसे, मेरी बारी तो आनी थी बहुत बाद, बहुत बाद में। क्या बात है, शाबाश शाबाश अविरल भाई। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले शायर हैं उनका नाम है आकाश बत्रा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आकाश भाई के लिए। नमस्कार, आदाब। तो अर्ज करूंगा कि उनका गम भी जश्ने बहारा होता है। क्या बात। इश्क़ सितम हर बार दोबारा होता है। बहुत बढ़िया। कि उनका गम भी जश्ने बहारा होता है, इश्क़ सितम हर बार दोबारा होता है, और वो तो अलविदा लेकर घर चली जाती है, अरे हमसे पूछो कैसे गुजारा होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां आकाश भाई के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया आकाश भाई। तो चलिए अब हमारे अगले इसी क्रम में जो अगले पार्टिसिपेंट हैं, ये भी काफी दूर से हमारे पास आए हैं। तो जो अगले हैं इनका नाम है सुधीर। तो मैं चाहूंगा सुधीर भाई मंच पर आएं। कब्र पे कब्र बन रही है मेरी। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। कब्र पे कब्र बन रही है मेरी, एक लड़की पे बार बार मर रहा हूँ मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब्र पे कब्र बन रही है मेरी, एक लड़की पे बार बार मर रहा हूँ मैं, कोई मर रहा है उसके हुस्न अदाओं पे। वाह। कोई मर रहा है उसके हुस्न अदाओं पे, तो उसके नैनों की दो धारी तलवार पे चल रहा। वाह क्या। तो मैं अब स्वागत करना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा इम्तियाज अकबर वादी जी का। जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए एक शेर ये है कि चेहरे पर वक्त की गर्द लेकर आ गया। आहा, क्या मिसरा है, चेहरे पर वक्त की गर्द लेकर आ गया, मेरा हमदर्द भी दर्द लेकर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हमदर्द भी दर्द लेकर आ गया, लेकर आ गया, दर्द ही अब देर तक गुनगुनाया जाएगा। दर्द ही अब देर तक गुनगुनाया जाएगा, दर्द में डूबे हैं नगमे क्या सुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बेताबियों का क्या बता, तुम तो बेताबियों का सबब हो गए, पहले ऐसे न थे जैसे अब हो गए, पहले क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया। जैसे अब हो गए, पहले ऐसे न थे। वाह, शेर समाप्त हुआ है। वसल की रंगतें चेहरे पर आ गई, वसल की रंगतें चेहरे पर आ गई, आईना देखिए, आईना देखिए क्या गजब हो गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत देखिए,
क्या गजब हो गए तुम तो बेताबियों का सबब हो गए। बहुत शानदार इंतजार भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आप हमारे मंच पर आए। चलिए इसके बाद अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं चाहता हूँ जोरदार ताली हो जाए बैरागी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्कार सभी को, राम राम। मैं बैरागी के, मैं बस इसी नाम से ही लिखता हूँ। एक भी नुक्स नहीं है तस्कीन किए हुए चेहरे में तेरे। क्या बात है। एक भी नुक्स नहीं है तस्कीन किए हुए चेहरे में तेरे, तारीफ तसलसुले सामो शहर नाक के मोती की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि एक भी नुक्स नहीं है तस्कीन किए हुए चेहरे में तेरे, तारीफ तसलसुले सामो शहर नाक के मोती की बात करते हैं। बहुत खूबसूरत। एक शेर है कि चुभने का हुनर बा कमाल संग दिल, के चुभने का हुनर बा कमाल संग दिल, चार चश्म चाक का कुर्ता। चार चश्म कहते हैं बेगैरत इंसान होता है, चाक का कुर्ता फटा हुआ कुर्ता, और बाकमाल संग दिल पत्थर का दिल, और चुभने का हुनर आपको पता है कि चुभने का हुनर बाकमाल संग दिल, चार चश्म चाक का कुर्ता, इतनी तवज्जो देकर लोगों से लोग मुझ फकीर की बात करते हैं। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए बैरागी के लिए। और अब मंच कुलदीप भाई के हवाले करेंगे कि कुछ करने की चाहत में कहां कहां से गुजरे। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कुछ करने की चाहत में कहां कहां से गुजरे, कि अकेले नजर आए हम जहां जहां से गुजरे। वाह, बहुत बढ़िया कुलदीप भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कुछ करने की चाहत में कहां कहां से गुजरे, अकेले नजर आए हम जहां जहां से गुजरे, और गुल ही दवा है गम की लेकर यही ख्वाहिश। आहा, बहुत बढ़िया। कि गुल ही दवा है गम की लेकर यही ख्वाहिश, कि खार जिधर जिधर थी हम वहां वहां से गुजरे। वाह वाह कुलदीप, बहुत बढ़िया कुलदीप भाई, वाह। कि बहार के मौसम में वो संग था एक कारवां, कि बहार के मौसम में वो संग था एक कारवां, कि तनहा तो तब हुए जब तेरे मौसम खिजां से गुजरे, और डूबने वाली थी अपनी भी कश्ती ये उम्मीदें। कि डूबने वाली थी अपनी भी कश्ती है उम्मीदें, बच बच के खैर हम जब उस तूफान से गुजरे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि रहते थे हर वक्त हम अपनी ही मौज में साहब, कि रहते तो हर वक्त थे हम अपनी मौज में हम साहब, कि परेशान तो तब हुए जब तेरे दिले नादान से गुजरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि नाता ही नहीं रखा अपनी जुल्फ स्याह से, कि नाता ही नहीं रखा अपनी जुल्फ स्याह से, जहां मर्जी लहराए बेशक अपनी भला से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। रिक्वेस्ट करूंगा अंजलि पांडे जी से वो आए और मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। मेरी हर कामयाबी में सबसे पहले उसका नाम आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी हर कामयाबी में सबसे पहले उसका नाम आया, वही था जो मेरी हर मुश्किल में मेरे काम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लड़ते लड़ते मेरे खातिर जमाने से, और लड़ते लड़ते मेरे खातिर जमाने से, वो जमाने में खुद को ही कर बदनाम आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी हर दुआ कबूल है उसे, मेरी हर दुआ कबूल है उसे, वो पिता के रूप में स्वर्ग से उतर कर खुद भगवान आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां हो जाए अंजलि, बहुत अच्छा पतंजलि, बहुत अच्छा मतलब। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे वर्ड्स ऑफ शायर के फाउंडर सत्येंद्र बिजलवान जी को, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बेहतरीन शायर। हाल अपना किसी को सुनाता हुआ। क्या बात शाहरुन भाई, कि हाल अपना किसी को सुनाता हुआ, रो पड़ा शख्स एक मुस्कुराता हुआ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दोबारा हो जाए। देखिए कुछ ख्याल, देखिए कि तू डर के दीवारों से लगकर बैठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू डर के दीवारों से लगकर बैठेगा,
तनहा होकर जब अपने अंदर बैठेगा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत डर के दीवारों से लकर बैठेगा। तनहा होकर जब अपने अंदर बैठेगा, सब बैठे होंगे एक महफिल में लेकिन तू, सब बैठे होंगे एक महफिल में लेकिन तू, उसको सोचेगा बस चुप होकर बैठे। वाह बहुत बढ़िया सतन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सब बैठे होंगे एक महफिल में लेकिन तू, उसको सोचेगा बस चुप होकर बैठेगा, उसको कोई मुझसा चाहेगा मुश्किल है। आहा उसको कोई मुझसा चाहेगा मुश्किल है, कोई फिर मुझसा चाहेगा डर बैठेगा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। कि उसको कोई मुझसा चाहेगा मुश्किल है, कोई फिर मुझसा चाहेगा डर बैठेगा, डर बैठेगा। उसकी चाहत फिर एक दिन ऐसे बैठेगी, आहा उसकी चाहत फिर एक दिन ऐसे बैठेगी जैसे पानी में कोई पत्थर बैठेगा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मोहब्बत। कि उसकी चाहत फिर एक दिन ऐसे बैठेगी जैसे पानी में कोई पत्थर बैठेगा। मैंने उसको मंदिर जाकर भी मांगा है, मैंने उसको मंदिर जाकर भी मांगा है, वो भी ऐसे ही मंदिर जाकर बैठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने उसको मंदिर जाकर भी मांगा है, वो भी ऐसे ही मंदिर जाकर बैठेगा। दुनिया एक जख्मों का घर है ये माना कर, दुनिया एक जख्मों का घर है ये माना कर, अच्छा होगा तू जितना बाहर बैठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाएं सतेंद्र भाई के लिए। बहुत 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 अच्छा लगा सतेंद्र भाई, आप हमारे मंच पर आए। हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं प्रियंका भट्ट जी। कभी विरह की आग में जल, कभी विरह की आग में जल, कभी मिलन की आस लगाए, कभी बहते आंसुओं ने लिखे शब्द मिटाए, लिखे शब्द। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुख में दुख में कैसे बीते, तुम बिन कैसे दिन मेरे रीते, सुख में दुख में कैसे बीते, तुम बिन कैसे दिन मेरे रीते, कितना तुम्हारी याद सताती, पल पल हमको है जो रुलाती। क्या ये सब तुम समझ पाओगे, या बिन पड़े खत लौटाओगे, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और इतना शानदार सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां, जोरदार भाई। चलिए ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीर भाई के लिए। थोड़ा रिफ्रेशमेंट के बाद थोड़ी सी ताकत आप भी दिखाएं, थोड़ी एनर्जी आप दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिव्यक्ति का। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल। हेलो, तो शुरू करता हूँ एक नज्म से। इरशाद इरशाद। कि दरिया के पार जो गांव है हम वहाँ मिलेंगे, रात होने से पहले शाम ढलने के बाद मिलेंगे। देखो तुम बस्ती से दबे पैर आना, कंगन पायल बेहतर तो होगा हाथ में उतार लाना। दरिया के किनारे पे एक कश्ती दिखेगी, मल्लाह की सूरत बिल्कुल मुझसे दिखेगी। वाह वाह, हर सूरत में मीर की सूरत दिखेगी। ओहो, वो मल्लाह नहीं मैं हूँ जानम, इस इंतजार की क्या वजह है जानम, इतने सवाल क्यों करते हो मीर जानी, सांस में सांस तो आने दो जानी। आए हाय, मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी जानी, कहीं फर्द है मेरे घर में, दो भाई सोते हैं ऊपर से आंगन में, और तुम मुझे देखना भी तो चाहते हो पायल कंगन में। ओहो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें मालूम भी है जेवर कितनी आवाज करते हैं, और रात की तन्हाई में तो कम्बख्त खूब ही बात करते। क्या बात है, वाह आहा वाह 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 वाह। तुम्हें मालूम भी है मैं किस तौर नजरें बचा कर आई, अम्मी अब्बा बहन भाई से किस तरह नजरें बचा कर आई। क्या बात, मगर तुम्हें क्या, तुम तो शक करते हो और कमाल करते हो, एक जवान लड़की रात के इस पहर तुम्हारे साथ है, और तुम अब भी पूछते हो मुझसे कितनी मोहब्बत, मुझसे कितना प्यार। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अगले जो हमारे शायर हैं, शायर भी क्या हैं कवि भी हैं, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा संदीप डबराल जी को। कि कारीगर पत्थर को पर न लगाते तो और क्या करते। कि कारीगर पत्थर को पर न लगाते तो और क्या करते, तराश कर कोई मूरत न बनाते तो और क्या करते। भाई बहुत बढ़िया, बहुत खास। कि कारीगर पत्थर को पर न लगाते तो और क्या करते, तराश कर कोई मूरत न बनाते तो और क्या करते। और मुद्दत बाद नजर आया था सूरज हमको आंगन में, कि मुद्दत बाद
नजर आया था सूरज हमको आंगन में, देख करिश्मे को हम सर न झुकाते और क्या करते, और क्या करते, वाह भाई वाह वाह, कि देख करिश्मे को हम सर न झुकाते तो और क्या करते। और यहाँ शमशीर अदू की उसके गले उतरने वाली थी, कि यहाँ शमशीर अदू की उसके गले उतरने वाली थी, अगर उसको हम अपना न बताते तो और क्या करते। और होने वाले थे जिस आग से लाखों मकान खाक यहाँ, कि होने वाले थे जिस आग से लाखों मकान खाक यहाँ, अगर हम पानी डाल आग न बुझाते तो और क्या करते। और चराग जो तन्हा, कि चराग जो तन्हा तम से लड़ रोशन कर रहा था घर को, कि चराग जो तन्हा तम से लड़ रोशन कर रहा था घर को, हम उस चराग की बाती न बढ़ाते तो और क्या करते, क्या करते। वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं, और हैरी भाई जो अभी तक पूरा टेक्निकल देख रहे थे, मैं चाहूँगा कि दो लाइनें हैरी भाई भी जाके जल्दी से बोले। फिर सभी को मेरा प्रणाम, और मांझा के नाम से लिखता हूँ, तो स्टार्ट करूँगा। कि खेल खिलौने सारे लौटा दो, खेल खिलौने सारे लौटा दो, बचपन मुझे मेरा लौटा दो, खेल खिलौने सारे लौटा दो, बचपन मुझे मेरा लौटा दो, वक्त लेकर बैठा है मांझा, वक्त लेकर बैठा है मांझा, इतवार कोई पुराना लौटा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ यादें हैं, किसकी, कुछ यादें हैं जिन्हें भुलाना चाहता हूँ, कुछ यादें हैं जिन्हें भुलाना चाहता हूँ, कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें जलाना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, अरे भाई बहुत खास है भाई, बहुत भाई, बहुत खास है। कुछ यादें हैं जिन्हें भुलाना चाहता हूँ, कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें जलाना चाहता हूँ, चाहता हूँ खत्म हो जाए सब आंसू, अरे वाह, चाहता हूँ खत्म हो जाए सब आंसू, आज खुद को बेहद रुलाना चाहता हूँ। वाह बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं जिसको बुलाना चाहूँगा वो हमारी टीम के उम्र में सबसे छोटे सदस्य हैं, लेकिन काम में वो हम सब में सबसे बड़े हैं, और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं छोटे भाई विजयपाल के लिए। पापा की दुलारी हूँ, तुम्हारी भी जान हूँ, किसी एक को चुनना है सवाल से परेशान, क्या सच्चाई है भाई। पापा की दुलारी हूँ, तुम्हारी भी जान हूँ, किसी एक को चुनना है सवाल से परेशान, रातों को नींद नहीं आती है सोचकर, तुम जल्दी सोने को कहते हो, तुम्हारी बात ना सुनो तो बिना बात पे झगड़ते हो, सुबह देर से जागती हूँ तो पापा डांट लगाते हैं, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, ये फटकार लगाते हैं, कभी तुम कहते हो कि तुझमें रब दिखता है, कभी मेरे पापा कहते हैं मैं उनकी लक्ष्मी हूँ, कभी तुम दोनों ये भी भूल जाते हो कि मैं इंसान हूँ, तुम्हारी भी बहुत बढ़िया, किसी एक को चुनना है इस सवाल से परेशान, तुम तरक्की की राह पर हो पर कामयाब नहीं हो, मेरे पापा जैसे चाहते हैं वैसे नवाब नहीं, नवाब नहीं हो भाई, वाह, है तुम में लाख खूबियाँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे पापा भी मेरा भला चाहते हैं ये भी मानती हूँ, घर में बात छिड़ी तुम्हारी सब कुछ बताया गया, माँ ने भी पापा को बहुत समझाया गया, दीदी ने भी कहा पापा लड़का बहुत संस्कारी है, छोटी ने भी बोला पापा दोनों की जोड़ी प्यारी है, पापा हुए नाराज इस बात पर, इतना सब कुछ हो गया मैं भी तक अनजान हूँ, पापा की दुलारी हूँ तुम्हारी भी जान हूँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, इस सवाल ये क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा भाई, वाह भाई वाह, तालियां भाई, जोरदार जोरदार तालियां, शाबाश, जोरदार तालियां छोटे भाई विजयपाल के लिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम, और अब जो हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं, मैं गुजारिश करूंगा शाहरुन भाई से कि वो मंच पर आए। स्वागत है भाई। किसी पत्थर की तरह आप पूछे गए, वाह, किसी पत्थर की तरह आप पूछे गए, वाह, जितना कम चाहा उतने ज्यादा सोचे गए, भाई वाह, किसी पत्थर की तरह आप सोचे गए, सोचे गए, जितना कम चाहा उतने ज्यादा सोचे गए, और ऐसे मंजर भी हमको दिखाए गए, वाह, ऐसे मंजर भी हमको दिखाए गए, पहले लगाया गले, पहले लगाया गले,
फिर खंजर घोपे गए। भाई वाह भाई वाह, पहले लगाया गले फिर खंजर घोपे गए। तालियां बजाते रहिए, बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाते रहिए, बहुत शुक्रिया। खंजर घोपे गए। और अगला शेर है कि जैसे नोच खाए चील कव्वे मुर्दे को, जैसे नोच खाए चील कव्वे मुर्दे को, आपकी यादों से हम ऐसे नोचे गए। भाई वाह, आपकी यादों से हम ऐसे नोचे गए। और पर कुतरने की नौबत तो बाद में आती है, पर कुतरने की नौबत तो बाद में आती, कुछ कबूतर उड़ने से पहले दबोचे। भाई ये खास है, बहुत खूबसूरत शाहरुन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मजा आया। अगले जो हमारे शायर हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राज भाई को, फाउंडर हैं अहले सुखन मंच के, और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। बिल्कुल, तमाम कलाकारों को सबसे पहले प्रणाम, सीनियर्स बैठे हुए हैं उनको प्रणाम। सीनियर्स की इजाज़त से मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ, देखिए मैं आपके दिलों को कितना छू पाता हूँ और कहाँ तक छू पाता हूँ। अरे, एक मतलब और एक शेर से शुरुआत करता हूँ। इरशाद, इरशाद। ऐसा भी क्या था देख लिया उस निगाह में, आए हाय, ऐसा भी क्या था देख लिया उस निगाह में, गश खा के गिर पड़े जो मोहब्बत की राह में। भाई वाह यार, क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसा भी क्या था देख लिया उस निगाह में, निगाह ने, गश खा के गिर पड़े जो मोहब्बत की राह में। राह में भाई वाह, बैरागी भाई, अगर इश्क है गुनाह तो इसका जवाब दे। आए हाय, अगर इश्क है गुनाह तो इसका जवाब दे, क्या तू नहीं शरीक था मेरे गुनाह में। वाह वाह, मंसूबे पहले से जो वो दरिया के जानते, मंसूबे पहले से जो वो दरिया के जानते, दरिया को पार करने की शायद न ठानते। मंसूबे पहले से जो वो दरिया के जानते, दरिया को पार करने की शायद न ठानते। मानी जो दोस्तों की कहीं के नहीं रहे, मानी जो दोस्तों की कहीं के नहीं रहे, हम काश अपने दुश्मनों की बात मानते। क्या बात है, क्या बात है, मानी जो दोस्तों की, खैर ये वाले दोस्त ही, इनकी तो मानी जा सकती है। मानी जो दोस्तों की तो कहीं के नहीं रहे, हम काश अपने दुश्मनों की बात मानते। हम जिन पे थे खड़े वो पिताजी के पैर थे। हम जिन पे थे खड़े वो पिताजी के पैर थे, गर अपने पैर होते तेरा हाथ मांगते। वाह 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 वाह, जिंदा, जोरदार ताली राज भाई, जिंदाबाद राज भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं बुलाना चाहूंगा अंकुर सिंह जी को। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसी देश के लिए जीना है, इसी देश के लिए मरना है। बहुत बढ़िया, शानदार। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम चाहे कुछ भी कहो, ये सिखवा इसी दिल से करना है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसी देश के लिए जीना है, इसी देश के लिए मरना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिद है जो मन में ठानी, जिद है जो मन में ठानी, वो करके दिखलाऊंगा। जीत कर अगर मैं वापस आया फिर सरहद पर जाऊंगा। मिली जिंदगी अगर दोबारा, मिली जिंदगी अगर दोबारा, फिर शिकवा इसी बात का करना है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसी देश के लिए जीना है, इसी देश के लिए मरना है। बहुत भाई, बहुत बहुत तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैंने कितना तेरा वेट किया, तूने आने में लेट किया। वाह, मैंने कितना तेरा वेट किया, तूने आने में लेट किया। तेरे गली के चक्कर कितने काटे, तेरे पड़ोसियों को इरिटेट किया। लोगों ने घूरा मुझे बहुत, वाह, लोगों ने घूरा मुझे बहुत, मैंने सीन ना कोई क्रिएट किया। वाह, तू टाइम से मिलने आया कर, तू टाइम से मिलने आया कर, बस इतनी सी फरियाद है तेरी गली के लड़कों को मेरा अब बुलेट का नंबर याद है। ये हमारी फेवरेट, बहुत बढ़िया। तेरा कॉलेज से का नंबर याद है, तेरा कॉलेज से वापस आना वा, वा, वा। और मुझे देखकर छुप जाना,
तेरा कॉलेज से वापस आना और मुझे देखकर छुप जाना, फिर फोन करके बतलाना कि बुलेट से मुझको ले आना। वाह। मेरा फिर तेरे कॉलेज जाना, तुझे ना पाना और घबराना। वाह। तेरी सहेलियां कहती हैं कि लड़का ही बर्बाद है, तेरी गली के लड़कों को मेरे बुलेट का नंबर याद है। बहुत बढ़िया निहाल भाई, तू ऐसे ना शर्माया कर, तू वैसे ना तड़पाया कर, मुझे छेड़ के यूं ना जाया कर। तू वैसे ना तड़पाया कर, मुझे छेड़ के यूं ना जाया कर, तू शर्माया कर, इठलाया कर, घबराया कर, इतराया कर। वाह, क्या बात है, क्या बात। तू शर्माया कर, घबराया कर, इठलाया कर, इतराया कर, तेरी इन्हीं मासूम हरकतों से निहाल का दिल आबाद है। तेरी गली के लड़कों को मेरा बुलेट का नंबर याद है। वाह, गली के लड़कों को मेरा बुलेट का नंबर याद है। थोड़ा माहौल ही बदल दिया, बुलेट का नंबर याद दिला दिया। अच्छा निहाल भाई, एक बात है, शायरी कम थी, हरकतें ज्यादा दिख गई थी इसमें तुम्हारी। वो जो आपने किया है ना, वो सब आ गया आपकी लिखावट में। अच्छा, बहुत ईमानदार शायर है, जैसा जिया बिल्कुल वही लिखा है एकदम। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गौरव मैठानी जी को, जो सारथी नाम से लिखते हैं, इनका पेन नेम है, और हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, बिल्कुल दिन रात इस मंच को एक नई पहचान मिले, नई ऊंचाइयां मिले, इसके लिए गौरव भाई का हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सारथी जी को सुनते हैं अब जरा। दर्द तो जुदा रहा मुझसे पर निशान रह गया। अरे वाह वाह। दर्द तो जुदा रहा मुझसे पर निशान रह गया। घर अब घर सा नहीं लगता। घर अब घर सा नहीं लगता। मकान रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। दर्द तो जुदा रहा मुझसे मगर निशान रह गया। घर अब घर सा नहीं लगता, मकान रह गया। घुटन सी होने लगी है आजकल जीने में। घुटन सी होने लगी है आजकल जीने में। अब शायद मरना ही आसान रह गया। आए, 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खास आया रे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत खास है भाई। और चार लाइनें सुनेगा कि एक अरसे तक घर से दूर रहा हूँ मैं। एक अरसे तक घर से दूर रहा हूँ मैं। अब सोचो कितना मजबूर रहा हूँ मैं। भाई वाह, बहुत शुक्रिया। एक अरसे तक घर से दूर रहा हूँ मैं। अब सोचो कितना मजबूर रहा हूँ मैं। और चंद लोग जानते हैं इस महफिल में मुझे। चंद ही लोग जानते हैं इस महफिल में मुझे। थोड़ा ही सही पर मशहूर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। ये नए मसले किस मोल पड़ेंगे, शायरों की महफिल में तो गम भी बोल पड़ेंगे। और पूछते क्यों हो सबब मेरी खामोशियों का। पूछते क्यों हो सबब मेरी खामोशियों का। ज्यादा कुरे दोगे तो जख्म बोल पड़ेंगे। यार बहुत शुक्रिया भाई, वाह, बहुत शुक्रिया भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और एक ख्याल सुनिएगा कि दिल तोड़ कर लगाया भी जा सकता है। दिल तोड़ कर लगाया भी जा सकता है। क्या ये रिवाज मिटाया भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया भाई, क्या सच्चाई है ये भाई। दिल तोड़ कर लगाया भी जा सकता है। क्या ये रिवाज मिटाया भी जा सकता है। उसके चेहरे की रंगत देखी तो एहसास हुआ। उसके चेहरे की रंगत देखी तो एहसास हुआ। इश्क पहला भुलाया भी जा सकता है। वाह भाई वाह, इश्क पहला भुलाया भी जा सकता है। वाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार तालियां गौरव भाई के लिए, गौरव सारथी जी के लिए, बहुत बहुत तालियां, दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया गौरव भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हमारे इस अभिव्यक्ति मंच के सबसे आखिरी शायर और हमारी टीम का कोर हिस्सा, द रोवर्स डायरी टीम के हेड भी हैं और ये इस चैनल को ओन करते हैं, और मैं विवेक सिमल्टी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। मैं जोरदार तालियां, पीछे भी जितने लोग बैठे, मैं चाहता हूँ कि जरा तवज्जो दें और विवेक भाई को जरा ध्यान से सुने। ये बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहने वाले कि एक रात जो तारों का इशारा नहीं मिला। क्या मिश्रा है। एक रात जो तारों का इशारा नहीं मिला, मांझी को समंदर में किनारा नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक रात जो तारों का इशारा नहीं मिला, बहुत बढ़िया, मांझी को समंदर में किनारा नहीं मिला, और दावा जो कर रहा था निभाने का उम्र भर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दावा जो कर रहा था निभाने का उम्र भर, ऐसे गया कि हमको दोबारा नहीं मिला। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है भाई, क्या बात। एक रात जो तारों से इशारा नहीं मिला, मांझी को समंदर में किनारा नहीं मिला,
और दावा जो कर रहा था निभाने का उम्र भर, ऐसे गया कि हमको दोबारा नहीं मिला, और हाथों की लकीरों को देखा खंगाल कर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत हाथों की लकीरों को देखा खंगाल कर, टूटा जो मुकद्दर का सितारा नहीं मिला। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। हाथों की लकीरों को जो देखा खंगाल कर, टूटा जो मुकद्दर का सितारा नहीं मिला। और आखिरी इसका सुनिए कि जो गिर रहे थे राह पर उनको संभाल कर। बहुत बढ़िया। जो गिर रहे थे राह पर उनको संभाल कर, मैं खुद गिरा तो कोई सहारा नहीं। वाह क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। जो गिर रहे थे राह पर उनको संभाल कर, मैं खुद गिरा तो कोई सहारा नहीं मिला। बहुत अच्छा। मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी को और धर्मेंद्र धर्मी जी को, तो दो लोग जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 20 दिन से हमसे ज़्यादा वो इस कार्यक्रम के लिए लगे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मंच पर प्लीज़ आएँ। सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गौरव सारथी जी को। मैं धर्मी भाई से चाहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल एक फ़ोटो एक बार। ये हमारी टीम अभिव्यक्ति की तरफ से गौरव मेठानी जी को, सारथी जी को बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। बहुत बहुत गौरव भाई, आपका तहे दिल से आभार। दूसरा नाम मैं लूँगा, मैं चाहूँगा कि राज भाई मंच पर आएँ, और इनको मैंने उपनाम दिया है शब्दों का राजकुमार। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां राज भाई के लिए।